वाह इक्तदार अली खान, वाह क्या शेफ हो तुम, तुम्हें तो कुकिंग कंपटीशन में जाना चाहिए। नहीं, कुकिंग कंपटीशन तो उनके लिए होता है जो कम्पीट करना चाहे, मेरे मुकाबले में तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरकार तुमने भी मान ही लिया। जी बिल्कुल मान लिया कि घटिया बंदे आपके मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अच्छा, अब चींटियों के भी पर निकल आए हैं। पर के साथ साथ डंग भी निकल आया जो बड़ी जोर से मारता है। मैं चींटियों को अपने पैरों तले मसलना अच्छी तरह जानता। भूल है मेरे भाई, भूल है। सुना नहीं, चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी को मार देती है। देखो भाई, मैं खुद को तो शेर समझता हूँ। हाँ, हाथी की मिसाल अम्मी के लिए दी जा सकती है। मैं अभी जाके अम्मी को बताता हूँ कि ये कह रहा है। सुनो तो, क्या चोर का क्या काम होता है? चोरी करना। जेब कतरे का क्या काम है? जेब काटना। डाकू का क्या काम है? ढाका डालना। और स्वीट का क्या काम है? तीली लगाना। मैं सीरियस मम्मी की जगह बता दूंगा। अरे जाओ जाओ, जितनी तीलियां लगानी है लगाओ। नहीं, अब नहीं लगा रहा। क्यों? बस अचानक मेरा दिल कुछ खाने को चाह रहा है। ये लो, थप्पड़ और गालियों के अलावा। दिमाग बड़ा फास्ट काम करने लग गया मेरे बदसूरत भाई का। मैं बदसूरत हूँ? मैं नहीं कहता, जमाना कहता। अरे जमाने भी कुछ जाते मेरे भाई, जमाना तो ये भी कहता है कि इक्तेदार अली खान सच्ची बेशर्म और बेहया इंसान है जो कि अपनी बीवी की कमाई खाता है। इसमें बेशर्मी और बेहयाई की क्या बात है, ये तो मियां बीवी का आपस का मामला है। थोड़ी बेशर्मी का मुजाहरा कर दो, मेरे लिए बर्गर बना दे। अच्छा बैठो। क्यों? वेट करो। वो क्यों? अरे सीन चौथे पेज तक पहुंच गया, इसको खत्म करते हैं, बैठ जाओ। ये सही है भाई, मेरे लिए तो किसी के पास वक्त ही नहीं है, सारा दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ मैं। वो अम्मी, स्वीट और अक्की घर में ही तो होते हैं। अक्की सारा दिन घर के कामों में मसरूफ होते हैं, और स्वीट उसकी तो बात ही मत करो, आवारा दोस्तों से फुर्सत मिलेगी तो मुझे टाइम देगा ना। हाँ तो आपकी स्वीट को चाहिए ना कि आवारा गर्दी छोड़ दे। स्वीट आवारा गर्दी कैसे छोड़ सकता है? तो फिर आप चाहती क्या है? घर में रौनक। मीस, घर में रौनक तो सिर्फ आपकी वजह से है। मुझे घर में बच्चे चाहिए बस। अम्मी। क्या अम्मी? अरे मेरा दिल भी चाहते अपने नवासे नवासियों को देखूं। मैं जॉब करती हूँ। मैं भी जॉब करती थी, साथ में बच्चे भी पालती थी। ज्यादा ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चे पापा पालते थे। तो तुम्हारे बच्चे भी अक्की पाल लेगा या मैं पाल लूंगी? क्या होगी अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? किसी को मेरी तन्हाई का एहसास नहीं है। आपकी तन्हाई अब बहुत खतरनाक होती जा रही है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो वरदा? अरे छुट्टी वाले दिन तो मेरे पास बैठ जाया करो। मैंने अपने ससुराल वालों के साथ बुरा किया था ना, उसकी सजा मिल रही है मुझे। अरे हेडशॉट मार, हटो यहाँ से, पता नहीं मेरी जगह है। क्या हो गया है? सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? अम्मी का और किसका? ओहो, सुबह सुबह अम्मी का मुंह देखा, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। वैसे जो सुबह अम्मी का मुंह देखता है वो सारा दिन एक दूसरे को कोसता ही रहता है, है? इसलिए बेहतर ये है कि सुबह सुबह उठ के इंसान खुद को आईने में देख ले, ना कि अम्मी को। अरे यार मेरा वो मतलब नहीं था। अभी तुमने कहा कि सुबह सुबह अम्मी का मुंह देख लिया। मेरा मतलब है उनसे अक्सर बात नहीं हो पाती ऑफिस के चक्कर में, आज सुबह उठ के उनसे बात की है। और उन्होंने तुमसे पैसे मांग लिए क्या? पैसे तो मैं पहली तारीख को ही उनके हाथ में रख देती हूँ। तो फिर क्या कह दिया? बच्चे चाहिए अम्मी को। नए बच्चे? क्यों, उनका तुमसे और स्वीट से दिल भर गया क्या? वो अपने नवास और नवासियों की बात कर रही है। वाकई मेरा दिल भी चाहता कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हो जो भूखे मर रहे हो। अल्लाह ना करे, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्योंकि बच्चे पालने के लिए तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और जितनी तनख्वाह मेरी है अगर उतनी तनख्वाह की तुम्हें जॉब ना मिली तब क्या होगा? बेबी मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो अब अम्मी का क्या करें, वो तो घर में सारा दिन बैठे बैठे बोर होती रहती है। एक काम करते, उनके लिए पेट ले आते। बेबी पेट तो पहले से घर पे अपना स्वीट। तुम अगर किसी काबिल होते ना तो कम से कम तुम्हारी शादी करा देती मैं। मैं किसी काबिल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन शादी के काबिल हूँ। थप्पड़ खाओगे मेरे हाथ से? क्या मसला क्या है? क्या कहा? अब मेरा मतलब है, अब मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? मुझे इस घर में बच्चे चाहिए। बाहर से कोई बच्चा उठा के ले आता हूँ। अगवा करोगे बच्चे को? अरे अगवा करके क्यों लाऊंगा, जब आपका दिल भर जाएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगा। तुम सब अपनी अपनी दुनिया में खुश हो, बस मैं ही अकेली कोने में पड़ी रहती हूँ। अरे तो अक्की को बुला के उसे बात कर लिया करे। तो घर के काम कौन करेगा? अरे मैं हूँ ना बात करने के लिए, लेकिन मैं फी घंटा 500 रुपए लूंगा, मंजूर? क्या जमाना आ गया, औलाद माँ बाप से बात करने के पैसे चार्ज कर रही है, वाह। अरे मैं तो अपनी आवारा गर्दी, मेरा मतलब है मैं अपनी जरूरतों के लिए पैसे मांग रहा हूँ। आगा से कह के ना तुम्हारी आवारा गर्दी बंद कराती हूँ। अरे आगा मामू तो खुद एक लेवल के आवारा आदमी है। मेरा तो ख्याल है आगा से बात करती हूँ कि तुम्हें सिपाही लगवा ले अपने साथ। मैं और सिपाही? नहीं तो फिर क्या, चोर बनोगे? ये कौन है? पूछ के आता हूँ। अरे अम्मी डॉगी है, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? तो हमारे लॉन में क्या कर रहे हैं? हाँ भौंकने की आवाज तो हमारे लॉन से ही आ रही है, लगता है कोई आवारा कुत्ता ऐसे घुस गया होगा। आवाज आवारा कुत्तों वाली नहीं है। आपको कैसे पता? क्योंकि एक आवारा हमारे घर में भी रहता है। बस अम्मी अब बहुत हो गई है। जिल्लत नहीं उसका भौंकना, चल चल के देखते है ना। चलो। नहीं मुझे तो बाहर से आवाज आ रही है। नहीं नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं, अंदर से आई होगी। नहीं अंदर, अरे अगर उसने मुझे काट लिया तो? अरे स्वीट है भी पपी की आवाज,
अरे भाई जो भी हो आजकल कुत्ते काटने के सीन बहुत हो रहे हैं। कुछ भी हो ढूंढो उसे। अच्छा डॉगी। हेलो डॉगी। स्वीट स्वीट यहाँ है। अरे मैं वहां नहीं आऊ। अरे मैं तुम्हारी नहीं तुमसे प्यारी चीज की बात कर रही हूँ। छोटा स्वीट यहाँ पे है। ये देखो कितना प्यारा है। छोटा स्वीट ये तो बहुत महंगा होता है। कितना मासूम है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम बचपन में इतने मासूम होते थे, इतने प्यारे। आप इसको मुझसे क्यों मिला रही हैं? क्योंकि मुझे अपने बच्चों की तरह लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे दिल से प्यार हो गया इससे। उठाओ इसे। मैं नहीं उठा रहा भाई। आप अगर काट बांट लेगा। अच्छा ठीक है मैं उठाती हूँ। काटा मत काटना मत काटना। बहुत प्यारा। नहीं काट रहा। आ जाओ। क्या हो गया? आप इसे घर के अंदर क्यों नहीं आई? तो क्या सड़क पे फेंक दो? तू मुझे दे देना, मैं इसको बेच के आ जाऊंगा। इंसान तुम मेरे बच्चे को बेचने की बात कर रहे हो? बच्चों हम ये रशिया का बच्चा इतना महंगा। 1,00,000 रुपए आपके। 1,00,000 रुपए मेरे। बात करता है। खबरदार जो किसी ने मेरे बच्चे को बेचने की बात भी की हो तो। तो आप इसे क्या पालेंगे घर के अंदर? मुझे तो मेरी तन्हाई का साथी मिल गया है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा है। 61 एपिसोड में आके तन्हाई का पता चल रहा है। वाह वाह वरदा आदमी पागल हो गए यार। सुनो डॉगी, इसकी बात का बुरा नहीं मनाना। क्यों ना हम मम्मी को ओल्ड फोक्स होम में डाल देते हैं। वहाँ अपने जैसे अंकल आंटीज के साथ रहेंगी तो बड़ा खुश रहेंगी। अक्की इस बारे में तो सोचना भी मत। बेबी मैं तो सिर्फ अम्मी की तन्हाई दूर करने के लिए कह रहा था। अम्मी पागल हो गई हैं, पागल हो गई अम्मी। लो अब उन्हें ओल्ड फोक्स होम के बजाय पागल खाने में जमा करना होगा। चुप करो अक्की। क्या हुआ सुई? क्या हुआ अम्मी को? अरे हमारे लॉन में वो आ गया था। डाकू? अरे नहीं भाई फकीर। अरे यार डॉगी आ गया था। डॉगी उसे मार के भगा दिया ना? मार के भगाऊ? अरे अम्मी उसे गोद में उठा के अंदर लेकर आ गई है। पूरा कुत्ता गोद में उठा लिया। तो क्या अम्मी को कुत्ते पसंद है? अरे वो कह रही ये मेरा पॉपी है, ये मेरा बच्चा है, इसको कोई बुरा भला ना कहे। क्या लगता है तन्हाई में अम्मी वाकई नफसियाती हो गई हैं। पागल कुत्ता हो या इंसान दोनों ही खतरनाक है मैं बता रहा हूँ। अब चलो चल के समझाओ उनको। पागल खाने में भर्ती करवाने के लिए? अरे उस कुत्ते को बाहर निकालने के लिए। अक्की चलो। चल तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम इस घर को अपना ही घर समझो और मुझे अपनी मम्मी। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी समझे। ये रहा वो तमाशा। ये है वो रशिया का बच्चा। खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे को तमाशा कहा। तो बच्चा कौन बच्चा अम्मी? ये भी तो मेरा बच्चा है। इसका नाम मैंने पॉपी रखा है। अक्की कैसा नाम है? वाह वाह अम्मी जान क्या नाम रखा है आपने। लेकिन ये खाएगा क्या? स्पेशल इम्पोर्टेड फूड आता है इनके लिए जो बहुत महंगा होता है। कितना महंगा बेबी? 1 हफ्ते में कम से कम 10,000 का खाना खा ले। 10,000? अरे 10,000 में तो मेरे पता नहीं कितने बर्गर आ जाएंगे। जालिमो तुम लोगों ने कभी अपने खाने पीने का हिसाब किया? जो आज मेरे पॉपी के खाने का हिसाब किताब कर रहे हो। हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बड़े और अमीर लोगों के चोचले होते हैं। मैं अमीर भी हूँ और बड़ी भी हूँ समझी। अच्छा जब मैं पॉकेट मनी मांगता हूँ तो आप फौरन गरीब बन जाती हैं। तुम्हारा और पॉपी का क्या मुकाबला है भाई? क्या वैसे अम्मी जान आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम पट्टे की बात कर रहे हो ना, लेकिन भूल जाओ मैं अपने बच्चे के गले में पट्टा हरगिज नहीं डालूंगी। अम्मी जान मैं इसके बाथरूम की बात कर रहा हूँ। हमारा यूज करेगा? सारा घर गंदा करता फिरे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिल्कुल भी नहीं। बेबी और डॉगी तो कहीं भी। हाँ? मैं इसे खुद ट्रेन करूंगी। बल्कि ये तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे लग रहा है ट्रेन ही होगा। बस एक बड़ा सा टब चाहिए, उसमें बजरी भरनी है और स्वीट के बाथरूम में रख देना। मेरे बाथरूम में? भाई पॉपी और स्वीट दोनों भाई एक ही बाथरूम शेयर करेंगे। पर तो मैं आग लगा दूंगा। बनता तो यही अपने आप को। जज्बाती नहीं मेरे भाई, जज्बाती नहीं। मामले का हल निकालना होगा। हल निकालना क्या होता है? मेरे पास है हल। और वो क्या है? भाई जिस तरह से अक्की पूरे घर का और घर वालों का ख्याल रखता है, इसी तरह से अक्की अब पॉपी का भी ख्याल रखेगा। अनोखा। बेबी नहीं नहीं अक्की भाई नहीं, जज्बाती होने का नहीं। आप जाइए और पॉपी को वॉक करवाइए गार्डन में। हाँ वैसे भी जरा डरा हुआ लग रहा है, घूमेगा तो दिल बहल जाएगा। लेकिन मेरा तो दिल दहल रहा है। जाओ ना चीचू बहानेबाजी कर रहे हो। जाओ। क्या गोद में उठा के लेके जाओ इसको? कोई पट्टा शट्टा तो डाले। अच्छा ठीक है लेकिन सिर्फ वॉक के लिए, उसके बाद उतार देना। ठीक है अम्मी थैंक यू। बना मैं घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबको सबसे अनोखा, सास की लात खाई तो समझ आई, दिया सबने मुझको है धोखा। बना मैं घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबको सबसे अनोखा, सास की लात खाई तो समझ आई, दिया सबने मुझको है धोखा। मुझे मिल गई सजा।
हाँ यार कल आऊंगी ऑफिस। नहीं नहीं वो एक्चुअली ना अम्मी को बड़ा शौक था, अम्मी ने कुत्ता पाल लिया और उसको कहती है कि अपना भाई पोपू का नाम भी पोपी है। अम्मी क्या हो गया तुम्हें, किसने काट दी, इतने गुस्से में क्यों? ये हमें काटा वाटा किसी ने नहीं है, लेकिन मैं आपके पॉपी के बच्चे को काट के फेंक दूंगा बाहर। मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगाऊंगी। अरे थप्पड़ से डर नहीं लगता, 14 इंजेक्शन से लगता है। अम्मी जान मैं आपके पॉपी की देखभाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी है। बिल्कुल ठीक, ये ठीक कह रहा है। हाँ ऐसी कोई बात मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाई नहीं थी। तो अब तुम लोग अक्की के साथ मिल गए हो। हम तीनों साथ साथ हो गए हैं। वाह अब, लेकिन अब इस घर में या तो पॉपी रहेगा या तो हम रहेंगे। तो बस फिर तो फैसला बहुत आसान हो गया। तो इस पॉपी को उठा के बाहर फेंक दूं? नहीं 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 भाई, मैं पॉपी को इम्प्रेस मार्केट जाके बेच के आऊंगा। देखो बेटा पॉपी तो इसी घर में रहेगा, तुम लोग अपना इंतजाम करना चाहते हो कहीं और तो शौक से कर। अम्मी शायद आप भूल रही हैं अम्मी कि इस घर का सारा खर्चा मेरी बहन चलाती है। ओए, ओए। और अगर पर्दा महीने के 4 लाख रुपए घर ना लेना तो आपकी सारी अय्याशियां खत्म। तुम अभी फिरदौस कमाल को जानते नहीं हो। जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप इस पॉपी के प्यार में बहुत सेल्फिश हो गई हैं। जी ऑफकोर्स। तो इसका मतलब है कि आप पॉपी को साथ लेके इस घर से जा रही हैं? बेटा इतने अरसे से जो वर्दा कमा रही है उसमें घर पे तो सिर्फ आधा ही खर्च होता है, बाकी आधा तो मेरे पास सेव है ना। मेरे पास इस घर का खर्चा चलाने के लिए बहुत पैसा है, तुम उसकी फिक्र ना करो। मैं तुमसे कहता था ना तुम्हारी अम्मी तुम्हारी आधी सैलरी खर्च करती है और आधी सेव करती है अपनी अलमारी में। ना जाने कौन सा अलमारी का खुफिया कोना है, मिलता ही नहीं है। इतनी दफा वारदात करी है, पता नहीं कहाँ रखी इन्होंने अपनी दौलत। तो फिर ठीक है, अगर आप अपनी जिद पर कायम है तो हम भी अपनी जिद मनवा कर रहेंगे। बेटा जिद मनवाने की कोई जरूरत भी नहीं, बस अपना सामान उठाओ और चलते बनो। हम यही करेंगे। अक्की स्वीट चलो चलते हैं। अम्मी हम जरा सिर्फ मशवरा करने जा रहे हैं। हाँ कि तुम लोग ये घर अभी छोड़ोगे थोड़ी देर बाद? अरे चलो यार चलो। ओ पॉपी मर गया। रशियन ब्रीड। चलो इधर आओ तुम्हें थप्पड़ लगाऊं मैं एक। मेरे पॉपी को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अम्मी उस कुत्ते के खातिर हमें घर से बाहर निकाल देंगी। मुझे लगता है अब हमें किराए पर दूसरा घर ढूंढ ही लेना चाहिए। अम्मी का अब सारा काम कौन करेगा? कोई डॉगी करेगा ना। जरा ये सोचो जब हम तीनों के होते हुए भी अम्मी बोरियत का शिकार होगी तो पॉपी कितने ही दिन उनका दिल बहला लेगा। ये बात तो है, लेकिन उन्हें ये बात कौन समझाएगा? कोई जरूरत नहीं है उनको समझाने की, बस सामान उठाओ निकलो यहाँ से। अरे पहले मुझे किराए पे घर तो देख लेने दो। अरे सईद मिर्ची का फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल खाली पड़ा है, वहीं चलते हैं। सईद मिर्ची का बाप किसी को अपना बुखार ना दे पूरा घर देगा। पूरा नहीं बोला मैंने, ऊपर का पोर्शन बोल रहा हूँ। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं बहुत इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। क्यों अक्की ने से क्या किया है कि तुम इसके साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती? इज्जत के साथ मतलब डिग्निटी के साथ। तुम लोग सोचो डिग्निटी वाली लाइफ, मैंने तो तुम लोग को ऑफर दे दिए। अक्की एक काम करते हैं, किसी स्टेट एजेंट को कॉल कर लो या किसी को कॉल करके यहाँ पर बुला लो। बेबी मैं फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ, अम्मी ने बस पॉपी के प्यार में हमें घर छोड़ने का कह दिया, बाद में वो अपने फैसले पे बहुत पछताएंगी। तो अब क्या करें? कुछ करने की जरूरत नहीं है, मसला हल हो गया है। लगता है मेरा भाई घर छोड़ने के गम में पागल हो गया। स्वीट अभी ठीक हो जाएंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम इसी घर में रहेंगे, पॉपी नहीं रहेगा यहाँ। अरे अम्मी ठीक हो या ना हो हम मुफ्त 1 लाख रुपए के मालिक बनने वाले हैं। अनोखा। वो कैसे? क्योंकि इसके ओनर ने इसकी पिक्चर लगाई है सोशल मीडिया में, ये कह रहे हैं कि मेरा कुत्ता गुम हो गया, प्लीज इसे ढूंढो। बेबी ये तो वाकई पॉपी है, ये देखो ये तो पॉपी है। एक काम करते चलकर अम्मी को बताते हैं। अरे दिमाग खराब है, अम्मी पूरे 1 लाख रुपए पे कब्जा कर लेंगी। हाँ बेबी आजकल अम्मी की नीयत ना पैसों के मामले में बड़ी खराब चल रही है। अरे हम उसके मालिक को कॉल करते और चुपके से पॉपी को उठा के उसको दे देंगे, 1 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और पॉपी से जान भी छुट जाएगी। लेकिन अम्मी से क्या कहेंगे? यही के पॉपी जहाँ से आया था वहाँ पे वापस चला गया और हमने 1 लाख रुपए भी नहीं लिए। ये 1 लाख रुपए वाली बात अम्मी के सामने करना जरूरी है? अब क्या करना है? अरे इसके मालिक को कॉल करते हैं। क्या हुआ तुम लोग घर छोड़ के नहीं गए अभी तक? घर छोड़ के तो आप पॉपी जाने वाले हैं अम्मी। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो शायद। आपसे ज्यादा खुदगर्ज खातून इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। तो फिर क्या कर्ज लेके आए हो मेरे पास? अम्मी पॉपी का असल मालिक मिल गया है और उसने इस पर कोई इनाम भी नहीं रखा। वो बस जल्दी से मांग रहा है वापस, उसको वापस करना है। मैं अपना पॉपी किसी को नहीं दूंगी समझे।
क्या हो गया अम्मी आपको? ये हमारा नहीं है पॉपी। जी नहीं है हमारा, ये सिर्फ मेरा है। अम्मी ये बाहर लॉन में आ गया था, इसका मालिक यहाँ ढूंढता हुआ आ गया है। उसे क्या पता कि पॉपी हमारे घर में? हो सकता है उसे पॉपी के अंदर कोई डिवाइस लगाई हो जिसे ट्रैक करता हुआ वो यहाँ तक आ गया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब नहीं नहीं अक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे अब तो वॉचेस भी आ गई है ना, अक्की अगर बच्चा गुम हो जाए तो डिवाइस के जरिए बच्चों को ढूंढ लेते हैं। ये सब तुम लोगों की चाल है, कोई मालिक वालिक नहीं आ रहा। मैं अपने पॉपी को किसी को दूंगी भी नहीं, मैं इसे अपने साथ अपने कमरे में लेके जाऊंगी। अम्मी इसका मालिक पुलिस लेकर आ जाएगा। तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे इंसान। पहले तो आप कहती थी कि पापा सबसे बड़े झूठे। तुम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े झूठे इंसान। आप जिद छोड़ दे, इसका मालिक आने वाला है प्लीज। अभी कह रही थी आ गया, अब कह रही हो आ रहा है। किसको बेवकूफ बना रही हो? जाके किसी और को बेवकूफ बनाओ, हटो। अम्मी नहीं मानेंगी। बहुत जिद्दी है यार। ये पॉपी के मालिक का तस्करा करने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने सोचा क्या पता डर कर वापस कर दें। अब इसका एक ही तरीका है। वो क्या? अम्मी जब सो रही होंगी तो इस रशियन के बच्चे को उठा के बाहर फेंक देंगे। परफेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। फाइन फाइन, इतना प्यार कर, रिलैक्स। काश इतना मुझसे क्या होता। पीने तो जीना हराम कर रखा है, इतनी मोहब्बत मुझसे क्यों दे मेरी 8 लाख तनख्वाह। बड़ा 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 बेबी कॉलेज याद आ गया। हाँ पॉपी सांस नहीं लेने दे रहा। पॉपी पॉपी चलो चलो। वाह स्वीट वाह, इतनी बहादुरी का काम कर दिखाया तुमने। पॉपी को बाहर ले आए, 1 लाख रुपए के लिए कुछ भी करना पड़ता है। वाह पॉपी, मम्मी ये कहाँ जा रहे हैं? पॉपी नहीं मिल रहा, कहाँ गया पॉपी? कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया यही कहीं होगा। लेकिन वो तो मेरे साथ मेरे कमरे में था। वो बाहर आ गया था दरवाजा खोल के। बात कुत्ते दरवाजा खोल सकते हैं? वो कुत्ते नहीं होते, उन्हें चोर कहते हैं। हाँ मुझे भी ना पॉपी चोरी लगता है। आप अपनी मालो दौलत चेक कर ले, क्या पता पॉपी कुछ चुरा के ले गया हो। अब कौन आ गया? वही जिन्हें आना था। स्वीट मैं पॉपी को जाके ढूंढता हूँ, तो आप जो भी गेट पे उसे अंदर लिया। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। ये क्या इशारे कर रहे थे आंखों आंखों में? अरे अम्मी आपको इन बातों पे गौर करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरा पॉपी कहाँ चला गया? अरे मेरी माँ, उसे ही तो ढूंढने गया था। मिला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाओ भाई मेरा डॉगी कहाँ है? बस सर अभी अभी यही था, ना जाने पता नहीं कहाँ चला गया। पॉपी पॉपी। अबे यार ये स्वीट जी हमेशा लेट करवाता है। ये क्या है? अबे ये तो रशियन है, पूरे 5 लाख का बिकेगा स्वीट। मैं तो लेके चला इसको। पॉपी आ जाओ पॉपी। तुम लोगों की नीयत बदल गई है। तुम लोग क्या समझते हो मैं अपने डॉग के लिए 2 लाख रुपए भी दे सकता हूँ? वो तुम्हारा डॉगी नहीं था, वो मेरा पॉपी था। ए, ये औरत कौन है भाई? हमारी अम्मी जान। अरे भाई क्या करूँ, अभी तो ढूंढ के आऊँ नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तुम सब पे पुलिस केस कर दूंगी, देखना। अरे आप क्या केस करेंगी? केस तो अब मैं करूंगा। सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आपका कुत्ता मिल जाएगा। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने मेरा डॉग इस औरत को बेच दिया। वो मेरा पॉपी है। मैं अदालत जाऊंगा, तुम लोगों के खिलाफ केस करूंगा। भाई 1 लाख तो देती जाए। अबे हट, 1 लाख रुपए अब तो तुम लोग मुझे 50 लाख रुपए दोगे। कोर्ट के नोटिस का इंतजार करो। ऐसे क्या हो गया? वो लालच का नतीजा। अनोखा। मेरा पॉपी। पॉपी नहीं, 50 लाख का इंतजाम करे। ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़ बना बांस की मैं बांसुरी मेरी सास करे बुड़ 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 घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।